नमस्ते दोस्तों, स्वागत है पैशन टेल्स में। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी पास्ता कचौड़ी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2-3 बार अच्छे से धोए हुए मूंग दाल, और इसको मैंने 30 मिनट के लिए भिगो के रखी थी। ये दाल को अभी हम डाल देंगे ग्राइंडर जार पे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें याद रखना है, हमें एकदम पेस्ट नहीं बनाना है इसका। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है लेकिन इसका पेस्ट नहीं बनाया पूरा। इस तरह का टेक्सचर हमें रखना है। इसके बाद हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होते ही इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम दे देंगे जीरा, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून बेसन लिया है और इसे हम लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। और हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए और इससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू ना निकले। ये देखिए, फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पीसे हुए मूंग दाल और इसे हम अभी फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट और इसे हम फिर से फ्राई करेंगे, और इस तरह का टेक्सचर आने तक हमें फ्राई करना है। ये हमारा स्टफिंग रेडी है और इसे हम साइड कर देंगे, साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होता है, हम बना लेते हैं अपना डो। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक। और खास्ता बनाने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून यूज़ किया है और इसे हम अच्छे से मॉइन करेंगे। और यहाँ पे मॉइन बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से मॉइन करेंगे तभी हमारा जो कचौड़ी हो वो अच्छा खास्ता बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, डो रेडी है और ये सॉफ्ट भी है। इसे हम कवर करके अभी 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 15 मिनट हो चुका है, अब हमें इसे इक्वल साइज में डिवाइड कर लेंगे। हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा छोटा साइज भी नहीं करना है। अब हमें इन पीसेस को बॉल्स में ट्रांसफर करना है। अब इस बॉल से हम पूरी की शेप में बना लेंगे। ये देखिए, ये एकदम रेडी है और इसका थिकनेस भी आप देख लीजिए। मैंने ज़्यादा पतला भी नहीं किया, ज़्यादा मोटा भी नहीं किया है। अब बारी है स्टफिंग की। हम इसे ले लेंगे हाथ में और चम्मच से जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखी थी इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच स्टफिंग यूज़ किया है और इसे इस तरह से फोल्ड करके हम चारों तरफ से कवर कर लेंगे। स्टफिंग को कवर करना बहुत ज़रूरी है और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कोई लीकेज ना रहे। ये देखिए, इसे इस तरह से रोल करना है और जो एक्सेस रहेगा उसे हम निकाल देंगे और हल्के हाथ से इसे दबाएंगे। और हमें इसे लाइटली रोल करना है कचौड़ी की शेप में। ये देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रही हूँ, एकदम धीरे से आपको रोल करना है। ये बन गया मेरा कचौड़ी की शेप में, आ गया, ये एकदम रेडी है। कचौड़ी तलने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म होते ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप ऑयल। ऑयल थोड़ा हमें ज़्यादा चाहिए और फ्लेम को हम लो में ही रखेंगे। और कचौड़ी हमें तभी छोड़ना है जब वो तेल हल्का सा गर्म हुआ। हम ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये कचौड़ी को धीरे धीरे ही फ्राई करना है।
और वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। और हमें दोनों तरफ अच्छे से फ्राई करना है, तो हमें बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। और बाकी का भी ऐसे ही कर लेंगे। और इसे होने में ऑलमोस्ट 7 से 10 मिनट लगेगा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।